नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिले जानकारी के अनुसार बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की दरिया दिली उस वक्त देखने को मिली जब कलेक्ट्रेट परिसर में एक विकलांग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ DM से मिलने जा रहा था। तभी जिलाधिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। जैसे ही जिलाधिकारी ने विकलांग व्यक्ति को देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा दी और विकलांग व्यक्ति के पास खुद जाकर उसे बातचीत की। जब DM ने विकलांग से बातचीत की तब पता चला कि विकलांग व्यक्ति DM साहब से मिलने आया था और अपने लिए ट्राईसाइकिल की मांग करने DM कार्यालय पहुंचा। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के इस मानवीय चेहरे की पूरे कलेक्टर परिसर में प्रशंसा की जा रही है। वहीं विकलांग सुशील कुमार ने बताया। सुशील कुमार, अच्छा सुशील जी कहाँ के रहने वाले हो? लोकाधड़ी जसनपुर से। अच्छा, आज यहाँ कलेक्ट्रेट में आए थे? हाँ जी। क्या हुआ आपके? मैं जैसे जा रहा था मिलना था, आया था उनसे, साइकिल के मारे आया था, विकलांग साइकिल के मारे। हाँ। तो उन्होंने कहा था, देखते ही गाड़ी रोकी उन्होंने, तो गाड़ी को कहा, उन्होंने कहा था मिल जाएगी साइकिल, उस जगह चले जाओ। किसने रोकी गाड़ी? जैन साहब ने। अच्छा, तो कैसा महल लगा आपको? बढ़िया लगा, उन्होंने गाड़ी रोक कर मुझे बताया। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।